नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिया और आज हम बात कर रहे हैं बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की, जो लिखी है ले लोन्स ने। सितंबर 25, 1960 में रिचर्ड निक्सन और जॉन एफ कैनेडी के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, जिसमें रिचर्ड निक्सन सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि लोगों ने उन्हें फिजिटिंग करते हुए और आईब्रो को स्क्रब करते हुए कैमरे में देख लिया, जिससे लोगों को लगा रिचर्ड झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या है फिजिटिंग, आपको डिटेल में पता लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। हम आपको लेन लोन्स द्वारा लिखी बुक हाउ टू टॉक टू एनीवन की समरी दे रहे हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे कोई जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस डील हो, किसी से फर्स्ट टाइम मिलने आना या अपने क्रश के साथ डेट पर जाना, आपकी लाइफ में ये टेक्निक हमेशा मदद करेगी। लोगों पर अपना गहरा इम्पैक्ट डालने में इस समरी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं जो आपकी मदद करेंगी। टेक्निक नंबर 1, द फ्लडिंग स्माइल। किसी से भी मिलते वक्त हमारे फेशियल एक्सप्रेशन ही हमारे सामने वाले पर्सन को शो करते हैं। हम उससे मिलने में कंफर्टेबल है या नहीं, हम इसमें हमारी स्माइल सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। यही स्माइल सामने वाले पर्सन को हमारे बारे में अच्छा फील करवाती है या फिर हमें एक फेक पर्सन की तरह दिखा सकती है, जो हमेशा हर किसी को देखकर बस स्माइल करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में ही अपने आप को जेन्युइन और रियल पर्सन दिखाने के लिए आप कभी भी किसी से मिले तो तुरंत स्माइल ना करें। 2 सेकंड उसके फेस को देखें, एक पॉज लें और फिर एक बड़ी और रिस्पॉन्सिव स्माइल दें। ये टेक्निक सामने वाले पर्सन को भरोसा दिलाएगी कि आपकी स्माइल जेन्युइन है, सिर्फ उनके लिए है। इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के कुछ हाईली इफेक्टिव पीपल भी करते हैं। टेक्निक 2, स्टिकी आईज। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बात करते समय आई कांटेक्ट नहीं करते, इसके बजाय इधर उधर देखते रहते हैं। ये चीज सामने वाले पर्सन को शो करती है आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है उनकी बातों में, उस टॉपिक में या उनमें। तो आपको सामने वाले पर्सन से टारगेटेड या लंबे समय तक आई कांटेक्ट बनाए रखना है। अगर आपको कहीं और देखना है तो आप स्लोली इधर उधर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, यह ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो, ना ही आपने उन्हें घूरना है, बल्कि आपको नेचुरली उनसे आई कांटेक्ट करके शो करना है कि आप उनमें और उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। टेक्निक नंबर 3, डोंट लीव होम विदाउट इट, द लेटेस्ट न्यूज। ज्यादातर लोग जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो मोस्टली वे सबसे पहले अपने आउटफिट के बारे में सोचते हैं, मैचिंग शूज, वॉच, क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एक्सेट्रा। लेकिन इस दौरान वे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वह है एक इम्प्रेसिव कॉन्वर्सेशन के लिए अपने साथ करेंट टॉपिक को अपने ब्रेन में कैरी करके ले जाना। यानी कि आप कभी भी किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, किसी से भी मिलने जाएं, जाने से पहले लेटेस्ट इवेंट्स, करेंट टॉपिक्स के बारे में या तो पढ़ लें या तो उन्हें देख लें, जैसे कि न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्वायरमेंटल इश्यूज, स्टॉक मार्केट, इंटरनेशनल न्यूज, अपकमिंग मूवीज एक्सेट्रा। आपके पास काफी टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए। सामने वाला पर्सन आपको एक नॉलेजेबल पर्सन समझेगा जिसके पास डिफरेंट टॉपिक्स की काफी नॉलेज है। टेक्निक नंबर 4, हेलो ओल्ड फ्रेंड। कई बार हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो पहली मुलाकात में ही हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि वह हमें पहले से जानते हों। उनका यही फ्रेंडली बिहेवियर हमें बाद में भी याद रहता है। जब भी आप मिले तो ऐसे मिले जैसे आप उस पर्सन को पहले से जानते हों या वह आपका फ्रेंड रह चुका हो जो काफी टाइम बाद मिला हो। ऐसे इमेजिन करके कॉन्वर्सेशन शुरू होगा तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक फील करेंगे। यह चीज सामने वाले को शो करेगी आप एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट पर्सन हो, जो फर्स्ट मीटिंग में ही लोगों को अपनापन फील करवाता है, क्योंकि लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो, बल्कि उन्हें इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें कितना जानते हो, उनकी कितनी केयर करते हो। टेक्निक नंबर 5, लिमिट फिजिट। फिजिटिंग का मतलब होता है बात करते समय आपकी मूवमेंट या बॉडी लैंग्वेज, जैसे हैंड्स की पोजीशन बार बार चेंज करना, एक स्ट्रेट पोजीशन ना रखना, इधर उधर देखना, आई टू आई कॉन्टेक्ट ना करना। यह चीजें आपको नर्वस व छोटा शो करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप सच बोल रहे हो लेकिन फिर भी बात करते समय फिजिट कर रहे हो,
तो इसे ठीक करने के लिए यह तीन चीजें फॉलो करें। कभी भी किसी से बात करते समय अपने फेस को टच ना करें, बिना ज्यादा मूवमेंट करें, एक स्ट्रेट पोस्चर में कॉन्वर्सेशन करें, अपने हाथ से कुछ भी स्क्रब ना करें, जैसे कि अपना फॉरहेड, टी शर्ट, पैंट या अपना नेक। अगर आप किसी का ट्रस्ट जीतना चाहते हैं तो कॉन्वर्सेशन के बीच में जितना हो सके उतना कम फिजिट करें। टेक्निक नंबर 6, बी द चूजर नॉट द चूजन। हर कोई अपनी लाइफ में किसी न किसी से कभी न कभी ऐसे पर्सन से मिलता है, उससे मिलने के बाद लगता है ये पर्सन मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। अब ये आपका कोई भी दोस्त हो सकता है, मेंटर हो सकता है या आइडियल हो सकता है, लेकिन इन ज्यादातर केसेस में यह वही होगा जिसके साथ आप या तो रिलेशन में आना चाहते हो या आपका क्रश रहा होगा। खैर कोई भी हो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि कभी भी आपको ऐसा पर्सन दिखे जैसे एज अ मेंटर, आइडियल, फ्रेंड या लव पार्टनर, तो वेट ना करें कि सामने वाला आपको नोटिस करेगा, वह खुद आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, बल्कि आप पहले जाएं, फिर कॉन्फिडेंस के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू करें। क्योंकि ज्यादातर लोग बस सोचते ही रह जाते हैं पर कभी कोई एक्शन नहीं लेते, फिर बाद में पछताते हैं। टेक्निक नंबर 7, नेवर द नेकेड सिटी। अपने शहर की जानकारी रखो। अगर आप कभी भी किसी से मिले तो कोशिश करें एक लाइन में रिप्लाई ना करें। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे वेयर आर यू फ्रॉम, तो कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप अपनी सिटी के नाम के साथ थोड़ा अपनी सिटी के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएं। सामने वाले पर्सन से भी उनकी सिटी के बारे में डिटेल में पूछें। जैसे ऑथर जब एक ट्रेड एसोसिएशन में गई हुई थी तो मिस्टर डेवलिन नाम के एक लेडी ने उन्हें अप्रोच किया, तो ऑथर ने भी लेडी को एक लाइन में आंसर नहीं दिया, बल्कि उनके कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डेवलिन ने उनसे सिटी के बारे में पूछा, जैसे कि वहां का फेमस फूड, फेमस प्लेस, वहां का कल्चर, जिसके बाद लेडी को लगा कि ऑथर फिर भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशनलिस्ट है। फिर डेवलिन ने खुद ऑथर को अप्रोच किया ट्रेडिंग लाइसेंस दिखाने के लिए। आप ही ऐसा ही अपनी सिटी के बारे में बताएं और दूसरों से भी पूछें। टेक्निक नंबर 8, हैंड्स हॉर्स सेंस। क्या आपने भी कभी इंपॉर्टेंट कॉल आने की वजह से टीवी को म्यूट करके देखा है? म्यूट होने के बाद भी बात करते करते टीवी में जो चल रहा है उससे ठीक से समझ पा रहे हो, परफॉर्मर की एक्सप्रेशन की वजह से सेम वैसा ही आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। वैसे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इसको देखकर ही आपको अपने मूड को एडजस्ट करना है, चेंज करना है। हमेशा अपने सामने वाले पर्सन को देखें, वह कैसे आपकी बात को रिस्पॉन्ड करता है। अगर वह आपकी बात में इंटरेस्ट दिखा रहा है तो ही अपनी बात को कंटिन्यू रखें, वरना आपको अपना टॉपिक चेंज कर देना है या फिर उनसे पूछना है। ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी ये जानने में कि आपका लिसनर आपके कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं है। टेक्निक नंबर 9, मैच द मूड। जब भी आप किसी से मिलें तो सबसे पहले उन्हें देखकर अंदाजा लगा लें सामने वाला कैसे मूड में है, फिर उसके मूड से अपना मूड मैच करें। अगर आपके किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है या उसकी जॉब चली गई है, वह आपको अपनी बात बता रहा है, तो फनी वे में उसकी बात को ना लें, जस्ट बिकॉज आप फनी बात करने के मूड में हो। हमेशा सामने वाले का मूड देखो, उसका मूड कैसा है उसके अकॉर्डिंग बात करो। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, उस वक्त आप सिर्फ अपने सामने वाले पर्सन को सुने। इससे लोग आपसे बात शेयर करना पसंद करेंगे, क्योंकि सच में आप उनकी बात को सुनते और समझते हो। टेक्निक नंबर 10, एपॉक्सी आइस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आप 3 या 3 से ज्यादा व्यक्ति हो। वहां बोलने वाले आप नहीं बल्कि कोई और है, लेकिन इस सिचुएशन में भी आपको बिना बोले टारगेटेड पर्सन से कनेक्शन बनाना है, तो आप एक स्पीकर को सुनने से ज्यादा अपने टारगेटेड पर्सन पे अपना इंटरेस्ट शो करें। बीच बीच में से देख कर ये आई कॉन्टेक्ट अपने टारगेटेड पर्सन को शो करेगा कि उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हो कंपेयर टू जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। लेकिन यह टेक्निक काफी ज्यादा सेंसिटिव है, इसका अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि लगातार देखना सामने वाले को गलत सिग्नल भी दे सकता है। तो इसे बैलेंस वे में यूज करिए, क्योंकि यह टेक्निक काफी पावरफुल है। इस ऑडियो बुक में इतना ही। अगर आपको मेरी ऑडियो बुक अच्छी लगी तो कमेंट में मुझे बताइए, और अगर आपको उसमें कुछ कमी महसूस हुई तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए।
और ऐसे ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए।